मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल से आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497.70 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। टीकमगढ़ जिले में मुख्य कार्यक्रम शासकीय हाई स्कूल अनंतपुरा विकासखंड टीकमगढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल से टीकमगढ़ जिले के 5 शासकीय हाई स्कूल, 2 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 1.94 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास तहसील जतारा का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। जिन नवनिर्मित शैक्षिक भवनों का लोकार्पण हुआ है उसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के 1.94 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास तहसील जतारा, स्कूल शिक्षा विभाग के 5 करोड़ रुपए की लागत के 5 हाई स्कूल और 3.50 करोड़ रुपए की निर्मित से हायर सेकेंडरी शाला भवन शामिल है। सभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी जो बन के तैयार हुए उनका आज लोकार्पण किया गया। उसी का आत्म आज टीकमगढ़ अनंतपुरा में हाई स्कूल बनाया गया है जिसका लोकार्पण हुआ। इस लोकार्पण में मुझे कार्यकारी सहित और एक कार्यक्रम बहुत अच्छा है और क्षेत्र के बच्चों के लिए बधाई, पूरे स्टाफ को बधाई और मैं आज सभी की कामना करता हूँ। शिक्षा घर का आगे जिले में और भी स्कूल बनाए जा रहे हैं, लगभग उनके कब तक काम पूरे हो जाएंगे? स्कूलों की तो लगभग आज 10 स्कूलों ने छात्रावास का लोकार्पण किया है। लेकिन हम लगभग 6 माह के अंदर सभी बैठक करके राय दी गई है। 6 माह के अंदर जनता के बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं है, अधूरा काम है अंदर, ये कंप्लीट की जाएगी। जैसे बिल्डिंग का काम लगभग तैयार है, केवल फिनिशिंग का जो काम है तो अभी संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए गए गुणवत्ता कार्य करके।